नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अखिलेश यादव से मिलने के जुनून में सपाइयों ने तोड़ा सर्किट हाउस का दरवाजा, फिर भी मिली निराशा। ना मीडिया से ना ही कार्यकर्ताओं से बात की, निकल गए निजी कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र शाम को पहुंचे। पूर्व मंत्री वसीम अहमद के घर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। सोमवार को भी उनके जनपद में कई जगह मांगलिक व निजी कार्यक्रम में शामिल होने का शेड्यूल था। रात्रि विश्राम भी उन्होंने सर्किट हाउस में किया था। समाजवादी गढ़ के रूप में चर्चित जनपद में जब सपाइयों ने अपने नेता से यहां रहने की जानकारी मिली तो अल सुबह ही सर्किट हाउस पर भीड़ मिलने के लिए इकट्ठा होने लगी। यहां तक कि कई कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर व्यवस्थापकों ने वहां लाइन लगा दी और एक एक कर अंदर जाने की अनुमति दी जाने लगी। उधर अखिलेश यादव को कई कार्यक्रमों में शामिल होना था, जिसको लेकर आपाधापी मच गई और मिलने के लिए कार्यकर्ता एक के साथ धक्का देकर सर्किट हाउस में घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे सर्किट हाउस का दरवाजा टूट गया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस ने खदेड़ा तो वहां भागदौड़ के चलते हंगामा मच गया। मीडिया कर्मी भी कई घंटों तक अखिलेश यादव से मिलने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों को तब निराश होना पड़ा जब अखिलेश यादव सर्किट हाउस से अपने कक्ष से सीधे निकले और 2 मिनट तक हाथ हिलाकर तुरंत अपने वाहन में बैठकर रवाना हो गए। घंटों से देखने और सुनने को खड़े कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी रोष दिखाई दिया। यहां तक कि अखिलेश यादव का जनपद से ही किसान आंदोलन की शुरुआत करने का कार्यक्रम भी पूरा चर्चा में था, जिसे लेकर कार्यकर्ता यह उम्मीद कर रहे थे कि नेता एक निर्देश पर वहां भी धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन यह हो न सका। कार्यकर्ता लाठी खाने के लिए भी पूरा तैयार थे, अंतर सभी को निराश लौटना पड़ा। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट।